The velocity of any particle is related with displacement as x is equals to root v plus 1. और मुझसे पूछा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 5 मीटर। देखिए सवाल को और सोचिए किस तरीके से एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। सोचिए सोचो सोचो क्या मुश्किल है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। चल देखते हैं। अच्छा मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले देखते हैं। मुझे दे रखा है x इज इक्वल्स टू रूट v प्लस 1। पिछले वाले सवाल में v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा था, यहां पे x एज अ फंक्शन ऑफ v दे रखा है। तो क्या मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं? क्या बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये बना x स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या ये रूट कट जाएगा? तो ये क्या बनेगा, v प्लस 1। तो v क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। और क्या ये पहले वाला ही बन के आ गया? अब v एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा, v dv बाय dx, यही आएगा। v मेरे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, और मल्टीप्लाई करना है इसके डिफरेंशिएशन से। तो x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। चलिए अब मुझसे पूछा है एट x इक्वल्स टू 5 मीटर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं फिर 5 मीटर लिखू, इससे अच्छा यहीं पे कर लो। x की वैल्यू 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 5 से। तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 1 इज 24 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये तीन वैरायटी देखिए कि अलग अलग किन किन तरीकों से क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम।